गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। 26 से फिर बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, 9 शहरों का तापमान अभी भी माइनस में। प्रदेश में 26 फरवरी को मौसम करवट बदलेगा, मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है। प्रदेश भर में बर्फबारी और बारिश के दौर को देखते हुए अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है, लेकिन इस अवधि के दौरान प्रदेश के 3 जिलों में अत्यधिक ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर में शीतलहर का प्रकोप होने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें, 26 फरवरी से प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने इस दौरान संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों को राहत, 29 फरवरी तक यूपीआई से हो सकेंगे बिजली के बिल जमा। पेटीएम से बिल जमा ना कर पा रहे लोगों को राहत मिली है। रिजर्व बैंक के 15 मार्च तक पेटीएम को सेवा विस्तार की अनुमति प्रदान करने के बाद हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोनपे, गूगल पे और भीम ऐप जैसी अन्य ऐप के जरिए भी बिजली बिलों का भुगतान 29 फरवरी तक कर सकेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने पेटीएम के स्थान पर अन्य सेवा प्रदाताओं, सरकारी और गैर सरकारी बैंक को रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्युत बोर्ड की प्रक्रिया 1 से 2 हफ्तों में पूरी हो जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिजली बिलों के भुगतान में आगे आने वाले समय में कोई समस्या न आए। 19 वर्षीय विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान, 21 दिन पहले किया था प्रेम विवाह। आपसी रजामंदी से जिस युवती ने 21 दिन पहले शपथ पत्र पर मैरिज की थी, आज उसने खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी। कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के तहत हरिपुर तहसील की पंचायत झगलेड में 19 वर्षीय विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने यह खौफनाक कदम अपने मायके में उठाया है। बता दें कि झकलेड पंचायत के छब्बड़ गांव निवासी इस युवती का इसी पंचायत के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था। वहीं जनवरी 2024 को युवती घर से लापता हो गई। परिजनों के ढूंढने के बावजूद वह नहीं मिली तो परिजनों ने 1 फरवरी को पुलिस स्टेशन हरिपुर में उसकी गुमशुदगी की शिकायत की, लेकिन उसी दिन परिजनों ने युवती को ढूंढ लिया। युवती की माता ने उक्त युवक पर बेटी के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया और शिकायत पुलिस स्टेशन हरिपुर में दी थी, जिस पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीएम सुख बोले, सामान्य वर्ग आयोग में किसी अध्यक्ष या सदस्य को नियुक्ति नहीं दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 15 जनवरी 2024 के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड और राजपूत कल्याण बोर्ड के लिए कोई भी फंड जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग आयोग में किसी अध्यक्ष या सदस्य को नियुक्ति नहीं दी गई है, न ही इसके कार्यकाल को ही बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। इनमें ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लोग भी शामिल हैं। वहीं सुक्खू ने यह जानकारी देहरा के विधायक होशियार सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने सामान्य वर्ग आयोग के बारे में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि पिछले 3 वर्षों में 15 जनवरी 2024 तक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड और राजपूत कल्याण बोर्ड के लिए कितने फंड जारी किए। कांग्रेस ने जगत सिंह नेगी, रोहित हर्षवर्धन और अवस्थी को बनाया पोलिंग एजेंट। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को पार्टी का अधिकृत पोलिंग एजेंट नियुक्त किया है। 27 फरवरी को विधानसभा परिसर में राज्यसभा सदस्य के चयन के लिए मतदान होना है। कांग्रेस के सभी विधायकों को इन एजेंटों को अपना वोट दिखाना अनिवार्य रहेगा। उन्हें दिखाए बिना अगर किसी विधायक ने मतदान किया तो उस मत को रद्द कर दिया जाएगा। एक समय में 2 एजेंट अंदर और 2 बाहर रहेंगे।
पोंग क्षेत्र में खेतीबाड़ी को मंजूरी, सीएम बोले इको सेंसिटिव जोन पर फैसला विधायकों की राय लेकर। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड क्षेत्र पोंग डैम में इस साल से खेतीबाड़ी को अनुमति दे दी गई है, यह जानकारी विधानसभा में कांगड़ा के विधायकों के सवाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। उन्होंने सदन में कहा कि इस क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन बनाने की फाइनल नोटिफिकेशन संबंधित क्षेत्र के विधायकों से राय लेने के बाद ही होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है। कल से इस जिले की महिलाओं को मिलने लगेंगे 1500 रुपये, सीएम करेंगे महिला पेंशन की शुरुआत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू महिलाओं को हर माह 1500 रुपये वाली योजना की शुरुआत लाहौल स्पीति जिला से करने वाले हैं। इसके लिए वो रविवार को शिमला से लाहौल स्पीति जाएंगे। स्पीति उपमंडल के दौरे के दौरान यह घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, जिसे अब बजट में भी शामिल किया गया है। पहले चरण में 237,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें पहले से 1100 से 1200 रुपये वाली पेंशन मिल रही है। विधानसभा संकल्प प्रस्ताव, धनीराम शांडिल बोले हिमाचल में सख्ती से लागू होगी मेंटल हेल्थ पॉलिसी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। अस्पतालों में मनोरोग के मामले सामने आ रहे हैं। रोगियों की काउंसलिंग के लिए आधारभूत ढांचे को विकसित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में मनोरोग चिकित्सकों की तैनाती होगी और प्रदेश में आवश्यक दवाओं की सूची में मानसिक रोग की दवाइयों को भी शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 6% जनसंख्या मानसिक रोग से ग्रसित है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आदर्श नशा निवारण केंद्र खोलने की बात कही। हिमाचल सरकार ने किए 13 तहसीलदारों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान तहसीलदारों के तबादला आदेश जारी किए हैं। 13 तहसीलदारों को स्थानांतरित किया गया है। इनमें विनोद कुमार तहसीलदार HPSC और ST विकास निगम से तहसील निर्भर जिला शिमला, तहसीलदार रवीश चंदेल को ऊर्जा निदेशालय से तहसील नोहराधार जिला सिरमौर, गुरुमी तहसीलदार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को तहसील जुब्बल, नीलाक्ष शर्मा तहसीलदार सेटलमेंट सर्कल कसौली जिला सोलन से तहसील ननखड्डी शिमला, भावना वर्मा तहसीलदार RTI जोगिंद्रनगर जिला मंडी से तहसील सलोनी चंबा स्थानांतरित किया गया है। सीएम सुक्खू ने बजट सत्र की समाप्ति से एक दिन पहले बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र की समाप्ति से एक दिन पहले 28 फरवरी को मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय में विधानसभा कार्यवाही समाप्ति के बाद होने वाली इस बैठक में कैग की रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा विधानसभा के अंतिम दिन यदि सरकार किसी संशोधन को लाना चाहती है तो उसे भी मंजूरी प्रदान की जा सकती है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।